हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। खुशियां आपके घर का पता भूल गई है तो आज का यह उपाय आपको जरूर सुख देगा। गारंटी है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको प्रयोग करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोराकार का, तीसरा भीमसेनी कपूर मिलता है जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के 4 कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हों, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं। वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है, आपने 3 चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये 3 चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखें, हफ्ते में बदल लें, या फिर 15 दिन पे, या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढेला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसिन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन 3 चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए, आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में है, शहर में है, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस प्रयोग को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की 1-1 टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस प्रयोग को 8-9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे। तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6-6:30 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोदुली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा, लोहबान का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोभान का प्रयोग भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोभान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कपूर जला दिया। बस यह प्रयोग आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस प्रयोग से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हों, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में, A to Z घर में, हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है। क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा, घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए, स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाथरूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं। तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है, उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। प्रयोग को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, मटका खेलते हैं। कई राज्य में लॉटरी बंद है पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए, गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस प्रयोग को, मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता दुर्गा की फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय को, इस प्रयोग से जो है ना आपको अचानक धन प्राप्ति के संयोग जाते हैं, पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है, 43 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय प्रयोग करेंगे ना तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घटस्थापन के दिन से, जिस दिन हम घटस्थापन करते हैं, प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक यह प्रयोग रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं। उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है, तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए से जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। 1 शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हम 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदे डाल करके बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना। यह उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, अगर आप पति हैं और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, नीचे तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी, एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये प्रयोग पत्नी को करना है, अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति के पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिरा, किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक, यह प्रयोग आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से इस प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन आप इस प्रयोग को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं, या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो, जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इस प्रयोग को 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप, 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना, वो दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी, चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है, आपको इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के, अपने बेडरूम में, जिस रूम में सोते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वो वाली फोटो आपको अपने घर के, अपने कमरे के पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाइए, अच्छी बात है। बस ये करके देखिएगा, 7 दिन के अंदर आपका पति पत्नी का प्रेम जो है ना, वो बढ़ा नहीं रहा, तो आप मुझे जो बोलिएगा वो आप करके देखिएगा। अब अगला जो उपाय है, यह असरदार उपाय है धनवान बनने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर अच्छा खासा रुपया कमाए, सबके पास पैसा रुपया हमेशा बना रहे, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो दुख की मात्रा हो वो कम हो और सुख जो हो वो ज्यादा हो, पैसा रुपया रहेगा तो आप किसी चीज के लिए तरसेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, घर की माता बहनें इस प्रयोग को कर सकते हैं। पुरुष भी अगर पुरुष रहते हैं तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या है, आपको प्रतिदिन रात को खाना बनाने के बाद जब घर के सभी लोग फैमिली मेंबर्स खाना पीना खा लें तो आपको अपने रसोई घर में चांदी की कटोरी में 2 लौंग और 1 कपूर जला दीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की भी एक छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप जला दीजिए। यह काम आपको रोज रात को सोने से पहले कर लेना है। अपने रसोई घर में आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी, हमेशा आपका धन का भंडार भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा कैश का फ्लो बना रहेगा। अब जो कपूर और जो लौंग का राख जो बचा हुआ है, इसे क्या करना है, ये यहीं पे चमत्कार है। इसे क्या करना है, इसे आप अपने घर के जो बालकनी में या घर के बाहर जहां भी आपने अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है, माता तुलसी का जो प्लांट आपने लगाया है, सुबह ये राख जो है ना उस पौधे में डाल देनी है। आप खुद चमत्कार देखेंगे। हम इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा, आप खुद चमत्कार देखेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है। पहले यही चीज नहीं मालूम था, पर इसको करने के बाद हमारे घर में इतनी हैप्पीनेस कहां से आ रही है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा है और आप उसकी विवाह की तिथि निश्चित करना चाहते हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका जल्दी विवाह हो जाए, अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का, तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में नवरात्र 4 होते हैं, 2 तो सबको पता होता है कि एक चैत्र का और एक शारदीय नवरात्र, 2 नव नवरात्र सबको पता होते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मैक्सिमम पता नहीं होते। तो आप अभी तो गूगल का चश्मजा है, आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं, आप अपने नदी के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, उसी व्यक्ति को यह प्रयोग करना है। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप किताब लेते हैं, गीता की किताब मिल जाती है आपको दुर्गा का, तो उसमें माता का एक है। अर्गला स्तोत्रम का आपको प्रतिदिन 1 बार पाठ करना है, 9 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है। 10वीं के जिस दिन आपको हवन करना है, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना है। हवन की सामग्री आप जान लीजिए क्या करना है, मेन अब यही पे है कि हवन में आपको क्या कर रहे हो, और हवन का धुआं ही आपके ब्रह्मांड में फैलेगा और आपके लिए रिश्ता लेकर के आता है और उसको फिक्स करता है। अब क्या करना है, हवन की सामग्री बनानी है। हवन की सामग्री में आपको 36 लौंग और 6 कपूर चावल, इन 3 चीजों को मिला करके जब आप हवन करेंगे, 9 दिन के बाद आप जब इसको हवन करेंगे, हवन हो गई, पूर्णाहुति हो गई, उसके बाद 9 दिन के बाद 40 दिन भी नहीं लगेंगे, आपका विवाह कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। करके देखिए, आज माया हुआ नुस्खा है, कभी आपको यह जो नुस्खा है यह आपको निराश नहीं करेगा। आप चाहे तो किसी भी नवरात्र में इसे कर सकते हैं। अब जो उपाय है, खुद का घर पाने के लिए है। हमें खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, रोटी कपड़ा मिल जाता है, पर मकान के लिए तो भाई पैसा बचता ही नहीं। तो फिर हम सभी कहते हैं कि ठन गोपाल, तो क्या करना है आपको, अगर आप भाड़े के घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो मन का चोटता है कि काश मेरा अपना घर होता, चाहे वो छोटा सा ही आशियाना हो, पर उसे अपना तो कह पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो पर पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर भाई करें तो करें क्या, इधर रोटी के लिए मुहाल हुए पड़े हैं और उधर घर का हम कहां से उपाय करें, घर का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको किसी भी नवरात्र में, 4 नवरात्र में से किसी भी नवरात्र में जो भी आपको प्लॉट चाहिए, या जिस जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लॉट तो खरीद लिया है पर अब घर बनाने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो भाई करना क्या है, तो उसके लिए आपका यह उपाय बहुत काम का है। ऐसे में आपको अपने प्लॉट का या जिस जगह को आप खरीदना चाहते हैं उस जगह की मिट्टी लेके आइए, मिट्टी ला करके कांच की कटोरी में आप डाल दीजिए। यह प्रयोग आपको नवरात्र में ही करना है, किसी भी नवरात्र में करिए पर नवरात्र में ही करना है। यह फलीभूत होता है, यह बहुत असरदार होता है। तो कांच की कटोरी में आपने उस प्लॉट की, उस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दी। अब उसमें क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और 1 कपूर डाल दीजिए। डाल दिया आपने, 3 चीजें हो गई उसमें कटोरी में। अब उस कटोरी को क्या करना है, जमीन पर जैसे माता दुर्गा का कलश स्थापन करते हैं ना, तो वैसे ही एक मिट्टी का ढेर रखिए। ढेर के ऊपर आप जव छिड़क दीजिए, जो कि जौ आपके 9 दिन में अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। हल्का हल्का पानी का छींटा डालकर कि अब उस कटोरी को, उस जौ वाले जो मिट्टी का ढेर है जिसपे आपने जौ छिड़का है, उस पर रख दीजिए। अब पूरे 9 दिन तक, प्रथम से लेकर के घटस्थापन से लेकर के 9 दिन तक, आपको एक माला माता दुर्गा के नवाण मंत्र का जप करना है। मंत्र, इस मंत्र का आपको पूरे 9 दिन तक एक माला मतलब कि 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। रोज उस जल, रोज उस जो आपने जौ छिड़का है, उस जौ के ऊपर प्रतिदिन आपको गंगा जल छिड़कना है। अगर जल की कमी है घर में तो आप एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और उसी लोटे के जल से उस जौ के आसपास छिड़क दीजिए ताकि उसको जल मिलता रहे और वो अंकुरित होता रहे, क्योंकि इसी जौ का आगे आपको काम करना है। अब नवमी के दिन जब आपने जप कर लिया है, फाइनल जप हो गया आपका, आप थोड़ा सा जौ निकाल लीजिए। संध्या के समय में आपको यह प्रयोग करना है। शाम के समय में आप 5, 5:30, 6 बजे चले जाइए। ले जाकर के जो भी आपकी जमीन है या जहां पर भी आप अपना घर बनाना चाहते हैं या जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, वहां पर उस थोड़े से जौ को जो आपने अपने साथ लाया है उसे छोड़ दीजिए। अब घर आकर के जो आपकी सामग्री बची हुई है, सामग्री में आपकी मिट्टी है, जौ है, फूल जो बचे हुए हैं, इन सब चीजों को आपको 10वें दिन दशहरा के दिन या फिर 10वें दिन, जो भी आप अगर बाकी के नवरात्र में करें तो दशहरा तो नहीं बोलेंगे, आप 10वें दिन इन सारी चीजों को बहते हुए जल में ध्यान रखना है। बहते हुए जल में या फिर नदी में, तालाब में आपको प्रोवाइड करना है। माता की कृपा होगी और आपको अपना सपनों का घर जल्दी से जल्दी मिलेगा। करके देखिएगा। यह प्रयोग अपने जो खुद के घर चाहने वाले हैं ना, उनके लिए यह बहुत अचूक उपाय है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने 12 उपाय आपको एक साथ में all in one करके दिए हैं। जो भी उपाय आपके काम का लगे करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा भी करिए। पुण्य कमाइए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट